आपको ये वीडियो इंस्टाग्राम के लिए कैसे बनाना है मैं आपको बताने वाला हूँ, एकदम सिंपल वे में, खाली मोबाइल यूज़ करके आप बना सकते हो। सो अब उसके लिए आपको इंस्टाग्राम खोलना है। उसके पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है। इंस्टाग्राम खोलने के बाद आपको जो सर्च ऑप्शन में जाना है, सर्च में जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है आपको कौन सा भी आईडी रहेगा वो। मेरा नाम है निकॉन बाबा, सो मैं निकॉन बाबा सर्च कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आपको प्रोफाइल पिक को छोड़ के नीचे के जो बायो एंड पिक्स दिख रहे उसके ऊपर आना है। उसके बाद आपको पहले आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है प्लस और पावर बटन से, वापस से मैं लेके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको एडिट के ऑप्शन पे आना है एंड आपको क्रॉप कर लेना है वहाँ से ही, जो जस्ट ऐसे सिंपली आपको क्रॉप कर लेना है एंड उसका रिकॉर्डिंग आपको ऑन कर लेना है, ऑन रखना है। ऐसा क्रॉप करने के बाद आपको जस्ट ये फुटेज मिलेगी। उसके बाद आपको वीएन एप्लीकेशन खोल लेना है। वीएन एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको जस्ट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड वो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो आपको लाना है अपने वीएन के एप्लीकेशन में एंड वो वीडियो एडिट कर लेना है 5 सेकेंड्स तक, क्योंकि अपना ऑडियो वही है। सो आपको म्यूज़िक के हिसाब से आपको ऐसा क्रॉप कर लेना है एंड 5 सेकेंड्स का वीडियो रहना चाहिए। उसके बाद आपको जस्ट ऐड के ऑप्शन पे जाना है एंड फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना है। आपको वो फ़ोटो फर्स्ट चाहिए जो आपके आईडी पे एंड अपने स्क्रीन शॉट रिकॉर्डिंग पे लिया है। सो मैं भी वो फ़ोटो फर्स्ट रख रहा हूँ। वो ऐसे रखने के बाद आपको जस्ट आपको म्यूज़िक ऐड कर लेना है। म्यूज़िक ऐड कर नहीं है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे मांग लेना है, ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं वीडियो से ऑडियो तक। सो मैं एक्सट्रैक्ट करके बताया आपको एंड आपको वैसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है एंड आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको सेकंड मेथड क्या कर लेना है, सेकंड मेथड आपको जस्ट वो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है एंड आपको इफेक्ट डाल लेना है इन ये वाला इफेक्ट डाल लेना है, आउट कुछ तो है उसका नाम। सो ये वाला इफेक्ट डाल लेना है आपको, ऐसे सब फोटोज़ में वो वाला इफेक्ट डाल लेना है एक बाय वन बाय वन करके। ऐसा प्लस के ऑप्शन भी आ रहा है ना, आपको वो इफेक्ट लगा लेना है जो स्पीड रहेगी, वो इफेक्ट आपको सब फोटोज़ में लगाना है वन बाय वन करके। एंड मैं अभी कट कर रहा हूँ आगे वीडियो। सो ऐसे आपको फिर आपको म्यूज़िक के हिसाब से आपको फ़ोटोज़ को अरेंजमेंट करना है, म्यूज़िक के हिसाब से आपको फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लेना है एंड एडजस्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा वीडियो दिखेगा, म्यूज़िक मैच कर लेना है बेसिकली। उसके बाद आपको एक इफेक्ट लगा लेना है वीडियोज़ के अंदर जाके, वीडियो का उधर जाके आपको एक इफेक्ट लगा लेना है, वो मेरे से इंस्टाग्राम पे मांग लेना अगर किसके पास नहीं रहेगा तो। उसको भरा कर लेना इफेक्ट को एंड नॉर्मली उसको ब्लाइंडिंग के ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, उसके बाद स्क्रीन के ऑप्शन पे डाल लेना है आपको वाले को इफेक्ट को, स्क्रीन ऑप्शन है उस साइड, वहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन पे डाल लेना है। एंड उसके बाद आपको जस्ट फिल्टर लगा लेना है आपके फर्स्ट वीडियो के ऊपर, आपको जो भी फिल्टर उसमें से अच्छा लगे वो लगा लेना है एंड आपकी कुछ वीडियो ऐसी दिखेगी। सो आपको प्रॉपर म्यूज़िक के हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है पूरा वीडियो एंड आप आउटपुट देख सकते हो।